अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट का पेपर डिस्कस करेंगे, असिस्टेंट लेबर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो 24 फरवरी 2019 को हुआ था। तो याद रखिएगा, PPSC के जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें से तकरीबन 60-65% जो MCQs है वो प्रीवियस पेपर से ही आते हैं, जबकि 35-40% जो हैं वो न्यू MCQs होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द ग्रेट गैट्सबी इज़ ए नावल रिटन बाय, तो मशहूर अमेरिकन नावलिस्ट हैं एफ स्कॉट फिट्ज़गेरल्ड, उन्होंने ये नावल लिखा था। रियो डी जनेरो अर्थ समिट वाज हेल्ड ऑन, तो जून 1992 को ये अर्थ समिट हुआ था, लेकिन सम टाइम इसकी डेट भी एग्जैक्ट पूछ लेते हैं कि किस डेट को हुआ था। तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वह 3 जून 1992 से लेकर 14 जून 1992 तक। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के तहत ये समिट हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन कब बनी थी, तो यूनाइटेड नेशन बनी थी 24 अक्टूबर 1945 को, और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था 30 सितंबर 1947 को, और पाकिस्तान ILO का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था 31 अक्टूबर 1947 को। रशिया सेंट बेसिल्स कैथीड्रल लोकेटेड इन विच सिटी, तो ये एक मशहूर चर्च है तो जो मॉस्को के अंदर है रशिया में। तो याद रखिएगा, जो रशिया है ये दुनिया का जो 1/8 यानी आठवां जो हिस्सा है दुनिया के रकबे का वो रशिया पे मुश्तमिल है, और रशिया की जो करेंसी है उसका नाम है रूबल। यूनियन जैक इज़ द नेम ऑफ फ्लैग ऑफ कंट्री, तो जो बरतानिया का फ्लैग है उसके ऊपर ये जो आपको रेड कलर के निशान नज़र आ रहे हैं प्लस का, तो इसको यूनियन जैक बोलते हैं। और जो फैसलाबाद के घंटाघर उसके आठों बाज़ार हैं उसका आइडिया भी बिल्कुल यहीं से लिया गया था, और यूनियन जैक की तर्ज पर ही आठों बाज़ार बनाए गए थे। ट्रंक बे बीच इज़ लोकेटेड एट, तो ये एक बड़ी मशहूर बीच है जो US वर्जिन आइलैंड में है। तो ये US वर्जिन आइलैंड ये वेस्ट इंडीज़ के बिल्कुल पास जो अटलांटिक ओशन है वहाँ पे है, क्यूबा के बिल्कुल साथ। तो अटलांटिक ओशन जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, और सबसे बड़ा जो है वो है पैसिफिक। कॉन्टस इज़ एन एयरलाइन ऑफ, तो ऑस्ट्रेलिया की एक मशहूर एयरलाइन है, कॉन्टस इसका नाम है। अपायरी इज़ ए प्लेस, जहाँ पे बीज को रखा जाता है तो उसको अपायरी कहते हैं, और अवायरी जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। तो ये दोनों अक्सर कंफ्यूज करती हैं, तो इनको कैसे याद रखा जाए, तो अपायरी से मतलब प्यारी, प्यारी से आप याद कर लें, प्यारी जो होती हैं वो बीज होती हैं, और जो अवारी अवारे होते हैं वो बर्ड्स होते हैं। तो इस तरह आप इनको याद रख सकते हैं, अपायरी जहाँ पे बीज और अवायरी जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे जो गहरा समुंदर वो पैसिफिक है, पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर है, और इसकी जो डीपेस्ट जगह है वो है मरियाना ट्रेंच, ये फिलिपाइन के बिल्कुल पास एक जगह है जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है, और इसकी गहराई कितनी है 11,034 मीटर्स। तो दुनिया में टोटल ओशन कितने हैं, 5, पैसिफिक, इंडियन, सदरन, अटलांटिक, आर्टिक, और ये जो सदरन ओशन ये 5 ओशन है। फास्टेस्ट सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल, तो ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे AB de Villiers, इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 31 बॉल में 2015 में बनाई थी, और ये अभी तक फास्टेस्ट सेंचुरी है वनडे इंटरनेशनल में। बीइंग एंड नथिंग लेस इज़ ए बुक रिटन बाय, तो जीन पॉल सार्थी जो हैं उन्होंने ये किताब लिखी थी। 18 जुलाई डिक्लेयर्ड एज नेल्सन मंडेला डे बाय, तो यूनाइटेड नेशन ने 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे डिक्लेयर किया हुआ है, और हर साल 18 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। तो इस नेल्सन मंडेला के हवाले से और भी बहुत सी चीज़ें सवाल पूछे जाते हैं, जैसे इनकी डेथ कब हुई थी, तो 5 दिसंबर 2013 को इनकी डेथ हुई थी। तो इनको नोबल पीस प्राइज़ 1993 में मिला था, पाकिस्तान का जो हाईएस्ट अवार्ड है निशान पाकिस्तान ये इनको 1992 में मिला था। तो ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे थे, 10 मई 1994 से 16 जून 1999 तक ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे थे। तो मलाला डे कब मनाया जाता है, मलाला डे भी जुलाई में मनाया जाता है, मलाला डे 12 जुलाई को मनाया जाता है। विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट, तो ये क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ उन्होंने ट्रीटीज़ दी हुई थी। तो जो नेटो है ये डिसआर्मामेंट के रिगार्डिंग नहीं है, नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर ब्रसल बेल्जियम में है, और ये 4 अप्रैल 1949 को बनी थी। इसको बनाने का मेन मकसद ये था कि जो कम्युनिस्ट यानी सोवियत यूनियन का जो अग्रेशन है उसको रोका जाए। तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहते हैं, क्योंकि बेल्जियम में सबसे ज़्यादा जंगें लड़ी गई थी। इस वजह से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहते हैं, तो बेल्जियम को कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी गई थी। कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड का जो दारुल हुकूमत है उसका नाम है वेलिंगटन, और जो न्यूजीलैंड की करेंसी है वो है न्यूजीलैंड डॉलर, और जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है जैकिंडा आर्डन। तो एक नाखुशगवार वाकया हुआ था मॉस पे क्राइस्ट चर्च में, तो वो कब हुआ था, वो 15 मार्च 2019 को हुआ था। तो
तो यहाँ पे कुछ भी पूछ लिया जाता है, करेंसी भी पूछ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी, कैपिटल भी पूछ लेते हैं, और ये जो अटैक हुआ था इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे का जो कैपिटल है उसका नाम है हरारे। तो जिम्बाब्वे को कब इंडिपेंडेंस मिली थी, तो 18 अप्रैल 1980 को इनको बरतानिया से इंडिपेंडेंस मिली थी। तो जो रॉबर्ट मुगाबे हैं, ये इनकी डेथ हुई थी 2019 में, तो इसकी डेट भी पूछ ली जाती है कि इनकी कब डेथ हुई, क्योंकि इन्होंने तकरीबन 30 साल के लगभग हुकूमत की थी जिम्बाब्वे पे, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग इनको प्रेसिडेंट कहा जाता है। ये क्या करते थे, इलेक्शन करवाते थे, और इलेक्शन में अकेले खुद ही खड़े हो जाते थे, इनकी कोई अपोजिशन नहीं होती थी, और इस तरह ये वोट लेके दोबारा इलेक्ट हो जाते थे। तो इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 6 सितंबर 2019 को। 6 सितंबर को आपको याद होगा क्योंकि हम डिफेंस डे भी मनाते हैं, तो इस वाले से आप ये डेट याद रख सकते हैं कि 6 सितंबर 2019 को रॉबर्ट मुगाबे की डेथ हुई थी। हेडक्वार्टर ऑफ सैमसंग लोकेटेड एट विच सिटी, तो सैमसंग जो है ये साउथ कोरियन कंपनी है, साउथ कोरिया के अंदर इनका हेड ऑफिस है। तो सैमसंग कब बनी थी, तो 1938 में बनी थी। तो इनके जो फाउंडेड हैं उनका नाम ली बंग चुल था। तो जो नॉर्थ कोरिया है यानी शमाली कोरिया, उसका जो कैपिटल है उसका नाम है प्योंगयांग, और जो साउथ कोरिया है उसका जो कैपिटल है उसका नाम है सोल। तो अगर इनके साउथ कोरिया और नॉर्थ और साउथ कोरिया जो थे ये पहले एक ही थे, लेकिन बाद में 50s में लड़ाई हुई, अलग अलग हो गए। यानी अगर कोई नॉर्थ कोरियन वहाँ से फरार होकर साउथ कोरिया आ जाता है, या कोई नॉर्थ कोरियन साउथ कोरिया की किसी भी एम्बेसी तक पहुँच जाता है, तो ये उसको नेशनैलिटी दे देते हैं। फर्स्ट मुस्लिम हु गॉड नोबल प्राइज़ वास, तो अनवर सदात ये प्रेसिडेंट थे इजिप्ट को, ये पहले मुस्लिम थे जिनको नोबल पीस प्राइज़ दिया था 1978 में। क्यों दिया गया था, क्योंकि इन्होंने कैंप डेविड, ये एक मशहूर एग्रीमेंट था ये किया था इसराइल के साथ, यानी पीस एग्रीमेंट था ये। कैंप डेविड एग्रीमेंट कब हुआ था, 17 सितंबर 1978 में हुआ था। बाद में 1981 में अनवर सदात को असैसिनेशन में मार दिया गया था, और उसकी रीज़न यही थी कि उन्होंने क्यों पीस एग्रीमेंट किया है इसराइल के साथ। तो इसराइल कब बना था, 1948 में इसराइल बना था। और एक बेलफोर डेक्लरेशन है 1917 में हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि एक यहूदी जो कंट्री है वो बनाया जाएगा। तो ये आप इस हवाले से याद रखें। तो पहली ख्वातीन, मुस्लिम ख्वातीन कौन थी जिनको नोबल पीस प्राइज़ मिला था, उनका नाम था शरीन एबदी। इनको 2003 में नोबल पीस प्राइज़ मिला था, और इनका ताल्लुक है ईरान से। ग्वादर पोर्ट लोकेटेड इन विच प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान, तो बलूचिस्तान में, ये सभी को पता है। अब ये भी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आया हुआ था कि बलूचिस्तान की कौन सी डिवीज़न में है, तो ये मकरान डिवीज़न के अंदर है। तो ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1958 में उस वक्त जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे फरोज खानून, उन्होंने ओमान से ये परचेज़ किया था, और 3 मिलियन यानी 30 लाख अमरीकी डॉलर उन्होंने पे किए थे। तो फरोज खानून पाकिस्तान के 7वें प्राइम मिनिस्टर थे। तो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो थे लियाकत अली खान। लियाकत अली खान की असैसिनेशन हुई थी रावलपिंडी में। कब हुई थी, ये डेट भी पूछ ली जाती है, तो 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान की असैसिनेशन हुई थी। द ओल्डेस्ट बराज ऑफ पाकिस्तान, सखर बराज है, ये पाकिस्तान का सबसे पुराना बराज है। ये कब बना था, 1932 में। इसका ओल्ड नेम क्या है, लॉयड बराज इसका पुराना नाम है। बल्टू ग्लेशियर लोकेटेड एट विच रेंज, तो कराक्रम रेंज जो है इसके अंदर ये ग्लेशियर है, यानी नॉर्थ पोल के बाद सबसे ज़्यादा ग्लेशियर जो है वो इस इन्हीं इलाकों में यानी पाए जाते हैं, यानी हिमालय और जो कराक्रम रेंज में ही हैं। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो वो कराक्रम रेंज में है। अगर वो ये पूछे कि कराक्रम रेंज में किस जगह पर, तो ईस्टर्न कराक्रम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर है, और इसकी लंबाई है 76 किलोमीटर। यहाँ पे एक मशहूर जो अक्सर आप सुनते हैं कि दोनों पाकिस्तान और इंडिया दोनों की आर्मी इस ग्लेशियर पे बैठी हुई है, होता ये था कि 1984 से पहले एक सर्दियों के अंदर आर्मी दोनों कंट्रीज़ की नीचे आ जाती थी और गर्मियों में ऊपर चली जाती थी, लेकिन जो इंडियन आर्मी है वो पाकिस्तान से पहले ही गर्मियों में ऊपर चली गई, और जब पाकिस्तान आर्मी ऊपर गई तो उन्हें पता चला कि वो ऑलरेडी पहले ही आके वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस वजह से ये डिस्प्यूट चल रहा है। जो इंडिया ने वो ऑपरेशन किया था उसको नाम दिया जाता है मैकडूट ऑपरेशन का, अप्रैल 1984 में हुआ था। ये भी पूछा गया प्रीवियस पेपर्स में, जो 2020 के पेपर्स हुए हैं उसमें इस ऑपरेशन का नाम पूछा गया है। तो इस तरह ये धोखे से ऊपर चढ़ गया थे, और आज तक ये डिस्प्यूट जारी है।
ब्रोस्टल जेल इन पाकिस्तान, तो ये मुल्तान के अंदर है, जो यंगस्टर्स होते हैं, यंग ऑफेंडर होते हैं, उनके लिए बनाई जाती है, इसको जुवेनाइल प्रिजन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बगलिहार डैम बाय इंडिया इज़ ए, तो जो बगलिहार डैम है चनाब रिवर पर इंडिया ने बनाया है, ये इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन है। तो इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 को हुई थी, उस वक्त पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल थे मोहम्मद अयूब खान थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और इनके वालिद का नाम था मोतीलाल नेहरू। तो जो 1928 में जो इन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट दी थी, तो मोतीलाल नेहरू ने दी थी, जो जवाहरलाल नेहरू के वालिद थे। तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से कौन से बंदे शामिल हुए थे, मिस्टर वेब लीफी जो थे ये वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव थे, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया की तरफ से थे, इन्होंने ये इंडस बेसन ट्रीटी ये कराची में हुई थी 19 सितंबर 1960 को। वारसक डैम बिल्ड ऑन बीच रिवर, तो काबल रिवर पे एक वारसक डैम बनाया गया है। वारसक डैम कब बना था, ये 1960 में बना था और कनाडा की हुकूमत ने इसमें माली मदद की थी। और पाकिस्तान का लार्जेस्ट डैम कौन सा है, ये तरबेला डैम है, तरबेला डैम इंडस रिवर पे है और ये 1976 को बना था। मंगला डैम जो है ये झेलम रिवर पे है, झेलम रिवर मीरपुर आज़ाद कश्मीर के पास है, तो ये 1967 को बना था और मंगला डैम सेकंड लार्जेस्ट डैम है पाकिस्तान का। ओगरा स्टैंड फॉर, ओगरा का मतलब है ऑयल गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो ऑयल और गैस को रेगुलेट करती है। ओगरा 2002 में बनी थी और इस वक्त ओगरा के जो करंट हेड हैं उनका नाम है जैनुल आबदीन। टी डैप रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन यानी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये एक दारा बनाया गया था, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये एक अथॉरिटी थी 2006 में ये बनाई गई थी। और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव जो करंट चीफ एग्जीक्यूटिव है उनका नाम है आरफ हमीद खान। पाकिस्तान इंपोर्टेड पाम ऑयल फ्रॉम विच कंट्री, तो पाकिस्तान मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। मलेशिया को कब इंडिपेंडेंस मिली थी, तो 31 अगस्त 1957 को इसको इंडिपेंडेंस मिली थी। और जो सिंगापुर है वो भी मलेशिया का पार्ट था, तो सिंगापुर ने मलेशिया से 1965 में इंडिपेंडेंस ली थी। एवरी एक्शन और लॉ विच इज़ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट वुड बी नल वाइड इज़ डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा उसे नल एंड वाइड करार दिया जाएगा, वो आर्टिकल 8 है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि हाई ट्रीजन गद्दारी के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो गद्दारी के लिए आर्टिकल 6 है। तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ था, ये 14 अगस्त 1973 को इन्फोर्स हुआ था और इसके अंदर टोटल 280 आर्टिकल हैं, 12 चैप्टर हैं और 7 शेड्यूल हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको जितने भी प्रीवियस पेपर हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मिलेंगे। विच प्रिंसली स्टेट डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया पाकिस्तान अदर देन कश्मीर, कश्मीर के अलावा कौन सी स्टेट पाकिस्तान और इंडिया में डिस्प्यूटेड थी। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, जब इंडिपेंडेंस हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, तो 562 प्रिंसली स्टेट थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको ये राइट दिया था, चाहे इंडिया के साथ शामिल हो जाएं, चाहे पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं, और चाहे आप इंडिपेंडेंट रहें। तो इनमें से कुछ जूनागढ़ थी, हैदराबाद थी और कश्मीर जो थी, इनका डिस्प्यूट चल रहा था। तो जो प्रिंसली स्टेट डिस्प्यूटेड थी अदर देन कश्मीर, उसका नाम था जूनागढ़। और जो हैदराबाद दक्कन है उसके जो रूलर थे उन्होंने पाकिस्तान के में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन इंडिया ने ज़बरदस्ती वहाँ पे अपनी आर्मी भेज दी थी। तो इंडिया ने जो आर्मी हैदराबाद में उतारी थी वो 11 सितंबर 1948 को उतारी थी, और जो उस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है हैदराबाद स्टेट को जो उन्होंने एनेक्स किया था उसे कहते हैं ऑपरेशन पोलो। ये याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इल्लामा इकबाल की बंदी टाइटल ऑफ सर इन द ईयर ऑफ, तो 1922 में इल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया गया था। तो इल्लामा इकबाल पंजाब असम्बली के मेंबर कब बने थे, तो 1926 में इल्लामा इकबाल पंजाब असम्बली के मेंबर बने थे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931-32 यानी 1930 से 32 तक तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो पहली में कौन शामिल हुए थे, दूसरी में कौन हुए थे, तीसरी में कौन हुए थे। तो कैद आज़म मोहम्मद अली जिना पहली और दूसरी में शामिल हुए थे, इल्लामा इकबाल दूसरी और तीसरी में शामिल हुए थे। जो गांधी थे वो सिर्फ दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, पहली में भी उन्होंने बाइकॉट किया था और तीसरी में भी बाइकॉट किया था, क्योंकि उस वक्त वो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे और वही मूवमेंट उन्होंने आगे कंटिन्यू की थी। दूसरी में ज़रूर शामिल हुए थे लेकिन वो किसी नतीजे में नहीं पहुँचे थे। वो वाज़ द लीडर ऑफ ग्रुप ऑफ मुस्लिम
लीग विच सपोर्टेड साइमन कमीशन। तो मियां मोहम्मद शफी जो थे, इन्होंने साइमन कमीशन को कहा था कि इसको सपोर्ट करें। कैद मोहम्मद अली जिन्ना था ने कहा था कि हम इस कमीशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो साइमन कमीशन क्या था, इसके अंदर टोटल 7 मेंबर थे, सर जॉन साइमन इसके हेड थे, सारे ही सारे ब्रिटिश थे, कोई इंडियन नहीं था। ये लाहौर में आया था, क्यों आया था कि जो 1919 का एक्ट आया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम हर 10 साल बाद इसको इवेल्यूएट करेंगे ताकि आने वाले आयन के अंदर कुछ नई कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की जाए। तो उसको ये रिव्यू करने के लिए आया था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे कि कौन कौन सी चेंजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में करनी चाहिए। तो ये 26 नवंबर 1927 को ये तश्कील हुआ था, 3 फरवरी 1928 को ये आया था लाहौर में, और मई 1930 में इसने रिपोर्ट पब्लिश की थी। तो क्योंकि इसमें कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, इसलिए कांग्रेस मुस्लिम लीग ने इसका बायकॉट किया था कि हम किसी भी ऐसे कमीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसमें कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है और आप आ गए हैं यहाँ पे हमारे लिए कानून बनाने। तो इसमें क्या क्या चीज़ पूछ ली जाती है, मेंबर भी पूछ लेते हैं, हेड भी पूछ लेते हैं कि ये इंडिया कब आया था पाकिस्तान में, यानी उस लाहौर में आया था, कब आया था सब कॉन्टिनेंट में, वो डेट भी पूछ ली जाती है, और इसकी रिपोर्ट भी पूछ ली जाती है कि कब इन्होंने पेश की थी। तो मई 1930 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। मियां मोहम्मद शफी वो चाहते थे कि हम कोऑपरेट करें, तो कैद आज़म ने मना किया था कि आप ना करें, इसलिए ये मुस्लिम लीग जो है उस वक्त स्प्लिट हो गई थी। विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड कम्युनल अवार्ड, तो रैमसे मैकडोनल्ड जो थे इन्होंने 16 अगस्त 1932 में ये अवार्ड दिए थे। इसी वक्त ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो ये क्योंकि मुसलमानों को पहले ही सेपरेट इलेक्टोरेट मिल चुके थे, तो उसके बाद जो इंडिया के अंदर जो दूसरे सिख थे या दूसरी कम्युनिटी के लोग थे, एंग्लो इंडियन थे, तो उन्होंने कहा था अगर मुसलमानों को अपने सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिए हैं तो हमें भी दें। तो फिर ये रैमसे मैकडोनल्ड ने ये अनाउंस किया था कि हम आपको भी देते हैं, यानी कोई मुसलमान है तो उसे मुसलमान ही वोट दे सकते हैं, उसे कोई और वोट नहीं दे सकते। तो सेपरेट इलेक्ट्रोड का ये मतलब था। तो 16 अगस्त 1932 को उन्होंने ये अवार्ड अनाउंस किए थे, और जो कांग्रेस थी उन्होंने इसका बायकॉट किया था। पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक फर्स्ट टाइम इन द ईयर ऑफ, तो 1948 की जो लंदन ओलंपिक्स थी, पाकिस्तान ने पहली दफ़ा उसमें पार्टिसिपेट किया था, और पाकिस्तान ने जो पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता था वो जीता था रोम ओलंपिक में, जो 9 सितंबर 1960 में हुई थी। और पाकिस्तान ने पहले जो ओलंपिक गोल्ड मेडल था ये हॉकी में जीता था, इंडिया को इन्होंने शिकस्त दी थी रोम ओलंपिक में। और अभी तक पाकिस्तान ने सिर्फ 3 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स के अंदर जब से पाकिस्तान बना, तीनों ही हॉकी में जीते हैं और किसी गेम में नहीं जीते। जो लास्ट गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने जीता है ये भी हॉकी में जीता था 1984 में, जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स गेम हुई थी। तो उसके बाद अभी तक पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल नहीं जीता। तो इतना बड़ा मुल्क होके नहीं जीता, क्योंकि छोटे छोटे मुल्क हैं जैसे जमैका है, तो उन्होंने हमसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। चौधरी रहमत अली बरेडे, तो चौधरी रहमत अली आप सबको पता है कि जो लफ्ज़ पाकिस्तान है इसके ये खालिक थे, और इन्होंने 1933 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद नाउ और नेवर नाम के साथ एक पंफलेट छापा था, जिसमें इन्होंने आइडिया दिया था कि जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं उनको मिला के कंट्री बना दिया जाए पाकिस्तान। तो इनकी डेथ कब हुई थी, 3 फरवरी 1951 में इनकी डेथ हुई थी। जब पाकिस्तान बना था ये वापस आए थे, लेकिन यहाँ पे इन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला, ये वापस कैम्ब्रिज चले गए। तो वहाँ पे इनको नमोनिया हुआ, उसके बाद इनकी डेथ हुई, और डेथ होने के बाद ये 20 दिन तक सर्द खाने में पड़े रहे ताकि इनके कोई फैमिली मेम्बर्स आ जाएँ या जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है वहाँ पर, तो वो आके इनकी बॉडी ले जाए, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो 20 दिन बाद 2 इजिप्शियन इनके क्लास फेलोज थे, तो उन्होंने ही इनको वहाँ पे बरी किया था, यानी जो कैम्ब्रिज का कब्रिस्तान है वहाँ पे इनको सुपुर्दे खाक किया था। लेकिन इनको वहाँ पे आर्जी तौर पे दफनाया गया था कि बाद में इनको पाकिस्तान इनकी जो बॉडी है उनको ट्रांसफ़र किया जा सके, लेकिन अभी तक इनकी बॉडी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सका। तो चौधरी रहमत अली जो थे इनकी डेथ हुई थी 3 फरवरी 1951 पे। यहाँ पे मौलाना मोहम्मद अली जोर के वाले से पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ पे, उनकी कब्र कहाँ पे है, तो उनकी है जैरूशलम में। तो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दरमियान उनकी डेथ हुई थी। वैन पाकिस्तान ऑफिशियली रीनेम्ड एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो 56 के आइन में पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया था, और 73 के आइन में इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया था। ये दो इसमें आपको फ़र्क याद रखना है।
56 का जो आयन है वो 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स हुआ था, इसमें 234 आर्टिकल थे। 62 का जो आयन है 8 जून 1962 को इन्फोर्स हुआ था और उसके अंदर 250 आर्टिकल हैं। 14 अगस्त 1973 को 1973 का आयन इन्फोर्स हुआ था और उसके अंदर टोटल 280 आर्टिकल हैं। फेडरल शरीयत कोड वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1980 में ज़ियाउल हक़ के दौर में ये फेडरल शरीयत कोड एस्टैब्लिश हुई थी। तो पहले जज कौन थे फेडरल शरीयत कोड के, उनका नाम है मिस्टर जस्टिस सलाहुद्दीन अहमद, और जो करंट जज हैं आज की डेट में जब ये वीडियो अपलोड हुई है तो उस वक्त थे मिस्टर जस्टिस मोहम्मद नूर मैकेंजी। तो जितने भी MCQs आप देख रहे हैं ये सारे रिपीटेड हैं, हर MCQs के साथ जो रेलिवेंट MCQs है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी से हो। फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन ईरान अपॉइंटेड बाय कैद आजम, तो गजनफर अली खान जो थे ये पहले पाकिस्तानी सफीर थे ईरान में। ईरान वाहिद मुस्लिम कंट्री था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। तो राजा गजनफर अली जो थे ये फूड मिनिस्टर फॉर फूड एग्रीकल्चर और हेल्थ भी रहते इससे पहले। डे ऑफ डिलीवरेंस सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो 22 दिसंबर 1939 को ये डे मनाया गया था। क्यों मनाया गया था, क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया था, रेजिग्नेशन दे दिए थे असम्बलियों से, तो इस वजह से मुसलमानों ने ये डे मनाया था। हुआ ये था कि जो उस वक्त जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग्स, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अब जो बरतानिया है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो रहा है। तो कांग्रेस ने कहा था कि आप हमें इंडिपेंडेंस दीजिए, आप जाएं जाके जंग लड़ें। तो उन्होंने कहा था कि इस वक्त हालात ठीक नहीं है, हम आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे सकते। तो कांग्रेस ने कहा कि आपने हमसे पूछे बगैर जंग में शामिल क्यों हैं। तो एज अ प्रोटेस्ट कांग्रेस ने जो इलेक्शन हुए थे आपको याद है 1935 के बाद, तो उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी तो कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया था एज अ प्रोटेस्ट। तो उसके बाद कैद आजम ने कहा था कि मुसलमान डे ऑफ डिलीवरेंस मनाएंगे, तो ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू वाज दी सन ऑफ मोतीलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे इनके वालिद का नाम था मोतीलाल नेहरू। तो जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी जिसके जवाब में कैद आजम ने 14 नकार दिए थे, वो मोतीलाल नेहरू ने दी थी जो जवाहरलाल नेहरू के वालिद थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे ये इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और इनकी डेथ कब हुई थी 27 मई 1964 को। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ये पहले वायसराय थे। दूसरे कौन थे, लॉर्ड एल्गिन जो थे ये दूसरे थे। टोटल 20 वायसराय आए थे 1857 से लेकर 1947 तक। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन बनता है जो अक्सर इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तो पूछ लेते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय इन तीनों में फ़र्क बताएं, क्या फ़र्क है। तो इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर रखें ताकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय में क्या फ़र्क है ये आपको पता चल सके। विच नवाब फोर्ट बैटल ऑफ प्लेसी, तो लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान 23 जून 1757 को ये जंग हुई थी। तो जो नवाब सिराजुद्दौला ये बंगाल के नवाब थे, बंगाल इनके अंडर था। तो लॉर्ड क्लाइव जो थे ये क्लर्क थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, वहाँ से ये प्रमोट होते होते ये ऊपर हाईएस्ट पोस्ट पे चले गए थे। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे यही याद रखिएगा कि जो लॉर्ड क्लाइव है इसकी तो आर्मी बहुत थोड़ी सी 3-4 हज़ार, और नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी लगभग कोई 50 हज़ार थी। लेकिन फिर भी शिकस्त होगी, क्यों हुई, क्योंकि मीर जाफर और मीर सादिक की वजह से ये शिकस्त हुई थी। करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के जो करंट प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है डेविड मालापास, इनका ताल्लुक है अमेरिका से। वर्ल्ड बैंक कब बना था, जुलाई 1944 को ये बना था, और इनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, यानी वर्ल्ड बैंक IMF दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। तो वर्ल्ड बैंक के कितने टोटल मेंबर हैं, तो 199 इसके टोटल मेंबर हैं। CPAC विल बी फुली ऑपरेशनल इन विच ईयर, तो 2030 तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये फुली ऑपरेशन हो जाएगा। तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये $50 बिलियन जो है इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है। कुलभूषण यादव अरेस्टेड फ्रॉम विच एरिया, तो कुलभूषण यादव जो को 3 मार्च 2016 को मश्केल जो एक इलाका है बलूचिस्तान का वहाँ से अरेस्ट किया गया था, क्योंकि ये ईरान के थ्रू पाकिस्तान के अंदर अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे थे। टोटल लेंथ ऑफ M5 मोटरवे, तो M5 मोटरवे की जो लेंथ है वो 394 किलोमीटर है। जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट मोटरवे है उसका नाम है M8 जो लाड़काना से ग्वादर तक है। विच पाकिस्तानी ओरिजिन ब्रिटिश नेशनल इलेक्टेड मेयर ऑफ लंदन,
तो सादिक खान जो है ये लंदन के मेयर बने थे। सादिक खान पाकिस्तानी ओरिजिन के थे, तो इनका ताल्लुक पाकिस्तान गुजरात से था। तो ब्रेग्जिट रेफरेंडम कब हुआ था? तो ब्रेग्जिट रेफरेंडम 23 जून 2016 को हुआ था। तो 31 जनवरी 2021 को बरतानिया ऑफिशियली यूरोपीय यूनियन से बाहर चला गया था। पहले 28 मेंबर थे, अब 27 मेंबर हैं। तो जो यूरो करेंसी है ये कितने कंट्रीज यूज़ करते हैं? तो 27 यूरोपियन यूनियन में टोटल कंट्रीज हैं, 27 में से 19 कंट्रीज यूरो करेंसी इस्तेमाल करते हैं, बाकी कंट्रीज़ की अपनी करेंसी है। शुएब अख्तर फास्ट डिलीवरी इन द ईयर ऑफ 2003 अगेंस्ट कंट्री, तो 2003 का जो वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ था तो इंग्लैंड के खिलाफ शुएब अख्तर ने फास्ट डिलीवरी की थी। करंट गवर्नर ऑफ सिंध, तो इमरान इस्माइल जो करंट गवर्नर है सिंध के, और जो पहले सिंध के गवर्नर थे उनका नाम था शेख जियाच हदायतुल्ला। वही मीन, तो वही का मतलब है रिवलेशन। तो पहली वही कब नाजिल हुई थी? तो 610 में पहली वही नाजिल हुई थी हर हेरा में। तो यहाँ पे नबवी ईयर और हिजरी ईयर अक्सर कन्फ्यूज करते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी 571 में, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 610 में 40 साल पूरे होते हैं तो इस साल नबूवत मिली, और 3 साल जो हैं वो खुफिया तबलीग की गई यानी 613 तक, उसके बाद ओपन तबलीग की गई, और उसके बाद जो 622 है उस वक्त फिर जो है मक्का से मदीना हिजरत की गई थी। जो नबवी ईयर है वो 610 से स्टार्ट होता है, 610 से ऑनवर्ड नबवी ईयर स्टार्ट होता है, और 622 तक नबवी ईयर जाता है, उसके बाद हिजरी ईयर शुरू हो जाता है, यानी 622 को पहला हिजरी ईयर था। हजरत उम्र फ़ारूक के दौर में यानी कुछ 638 या 39 में उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को अपना हिजरी ईयर होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कब से शुरू करें, तो एक उन्होंने बहुत से सहाबा कराम को बुलाया, तो किसने राय दी कि जब नबूवत मिली थी उस साल से शुरू करते हैं, किसी ने कहा था जब जो मुसलमान मक्का से मदीना आए थे हिजरत करके उसी ईयर से ऑनवर्ड चलते हैं। तो फिर ये तय पाया कि 622 जो था साल जब मुसलमान हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे तो उस ईयर से ऑनवर्ड अब हिजरी ईयर शुरू हो गया, जो 622 फिर 23 तो इतना हिजरी ईयर है। तो याद रखिएगा, बाज़ जो तारीख़दान है वो ये कहते हैं कि जून दो जो 622 जून का महीना था वहाँ से ये हिजरी स्टार्ट हुआ था, यानी जून 622 में यकम मुहर्रम था, और वहाँ क्योंकि मुहर्रम पहला महीना होता है तो वहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ था। और बाज़ तारीख़दान ये कहते हैं कि उस वक्त अगस्त का महीना था, यानी 622 अगस्त वहाँ से ये ईयर स्टार्ट होता है। तो इस वजह से ये जो ईयर्स और हिजरी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। नमाज इस्तस्का प्रेड फॉर, तो रेन के लिए बारिश के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है उसे नमाज इस्तस्का कहते हैं। और जो इक्लिप्स होता है यानी सूरज गिरन वो कब होता है? तो वो होता है जब मून सन और अर्थ के दरमियान आ जाए तो उसको सूरज गिरन कहते हैं, और जब अर्थ सन और मून के दरमियान आ जाए तो उसे लनर इक्लिप्स कहा जाता है। तो सूरज गिरन के लिए कसूफ है और लन इक्लिप्स के लिए नमाज कसूफ है, यानी सूरज तो अपनी जगह पे है, जो अर्थ है और मून है यही अपनी रोटेशन पोजीशन चेंज करते हैं। हाउ मैनी सन एंड डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, तो 3 जो बेटे थे और 4 बेटियां थी, 3 बेटों का नाम क्या था? कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम, और 4 बेटियों का क्या नाम था? जैनब, रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हो, ये 4 बेटियाँ थीं। द एरिया बिटवीन हजरा अस्वद एंड डोर ऑफ खाना काबा इज़ कॉल्ड, तो पिक्चर में आप देख रहे हैं जो हजरे अस्वद है और जो डोर ऑफ खाना काबा है, जो बिल्कुल कॉर्नर पर ना यहाँ पर एक पत्थर लगा हुआ है जो जन्नत से आया था, उस वक्त इसका कलर वाइट था लेकिन अब इसका ब्लैक हो गया। तो बिल्कुल जहाँ पे आप ये रेड सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे ये हजरा अस्वद लगा हुआ है, तो ये पूछ रहा है कि जो ये पत्थर लगा हुआ है हजरा अस्वद, इससे और ये जो खाना काबा का डोर है इसके दरमियान वाली जगह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अल मुल्तजिम, तो इस जगह का ये नाम है। तो हज कब फर्ज हुई थी? 9 हिजरी में हज फर्ज हुई थी। तो करबला का सानिया कब हुआ था? तो 61 हिजरी में, ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया सानिया करबला हुआ था। तो 10 अक्टूबर 680 10 मुहर्रम 61 हिजरी में सानिया ऑफ करबला हुआ था। कुर्बानी ड्यूरिंग हज इज़ परफॉर्म्ड एट, तो मीना के मुकाम पे कुर्बानी की जाती है। तो 7th इस्लामिक मंथ, 7वां इस्लामिक महीना कौन सा है? तो है रजब। तो ये आप याद कर लें, अक्सर पूछ लेते हैं 7वां 8वां 11वां 12वां, तो जितने भी इस्लामिक महीने हैं ये आप याद कर लें। तो इस वक्त 1442 हिजरी चल रहा है, तो ये भी आपने याद रखना है। मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल रबी सानी जुमादिल अव्वल
जुमादुल आखर, रजब, शुबान, रमज़ान, शवाज, लकद और जिलहजा, इसमें से कोई भी मंथ उसका नंबर पूछ लिया जाता है। आउटपुट रिज़ल्ट ऑफ डाटाबेस, तो डाटाबेस का जो रिज़ल्ट होता है उसको क्या कहते हैं, उसे रिपोर्ट कहते हैं। तो शॉर्टकट की फॉर सेविंग और डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल पास एस है। डॉक्यूमेंट को तीन तरीके से आप सेव कर सकते हैं वर्ड के अंदर। पहला कि क्या है कि क्लिकिंग फाइल ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड देन क्लिक सेव, तो लेफ्ट साइड पे एक बटन है, वहाँ पे जाके आप सेव पे क्लिक करके फाइल सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एफ से फाइल सेव कर सकते हैं और F12 से फाइल सेव कर सकते हैं। इन तीन तरीकों से आप कंप्यूटर में फाइल सेव कर सकते हैं। शॉर्टकट की फॉर प्रीवियस सेल, आपने एक्सेल की विंडो खोली हुई है तो आप प्रीवियस सेल में जाना चाहते हैं तो शिफ्ट और टैब को दबाएंगे तो आपका जो ब्लैक कलर का वो निशान सा आता है आपकी स्क्रीन पे, तो आप प्रीवियस सेल में चले जाते हैं। इस तरह आप शिफ्ट प्लस टैब दबाते जाएंगे वो प्रीवियस सेल में जाता जाएगा। अगर आपने कोई विंडो खोली हुई है, मतलब आपने गूगल क्रोम खोला हुआ है, एक्सेल खोला हुआ है, आप कंट्रोल प्लस F4 दबाएंगे तो वो विंडो बंद हो जाएगी जो करंट विंडो आपने खोली हुई है। कंप्यूटर चिप इज़ मेड ऑफ, तो सिलिकॉन से बनी होती है कंप्यूटर चिप, और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सिलिकॉन का। व्हेन गैस इज टर्न्ड इनटू लिक्विड इज नोन एज, तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लेते हैं। कंडेंसेशन, एवेपोरेशन, सबमिलेशन, डिपोजिशन भी अक्सर कंफ्यूज करती हैं। जब लिक्विड से गैस बने उसको कहते हैं इवेपोरेशन, और जब गैस से लिक्विड बने उसे बोलते हैं कंडेंसेशन, और जब गैस से सॉलिड बने उसे बोलते हैं डिपोजिशन, और जब सॉलिड से गैस बने उसको कहते हैं सबलिमेशन, और जब सॉलिड से लिक्विड बने उसे मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड बने उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। तो ये आपको पिक्चर की मदद से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगली स्लाइड में इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं कि कंडेंसेशन और इवेपोरेशन में क्या फ़र्क है। देखें, जब सूरज की रोशनी पानी पे पड़ती है ना, यानी समुद्र पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो पानी बुखारात की शक्ल में ऊपर जा रहा है, और जो पानी बुखारात की शक्ल में ऊपर जा रहा है उसे इवेपोरेशन कहते हैं, क्योंकि लिक्विड से गैस में वो चेंज हो रहा है, और जब गैस से लिक्विड में चेंज होता है, यानी जब ऊपर बादलों में जब बुखारात जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि जो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में तो वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वहाँ पे बादल बनते हैं। तो ये जो बादल बनने का अंबर है, यानी जो गैस से फिर लिक्विड बन रहा है उसको कहते हैं कंडेंसेशन, और जब ये बारिश बरसती है नीचे उसे कहते हैं परसिपिटेशन, यानी प्रेसिपिटेशन उसको कहते हैं जो बारिश बरसती है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, सूरज की रोशनी पानी पे पड़ती है, पानी बुखारा से ऊपर जाता है, और जब पानी ऊपर जाता है उसे वेपोरेशन कहते हैं, और जब वो पानी यानी बादल बनते हैं तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं, और जब वो बादल बरसने लगते हैं उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 4 जो डिग्री है तो उस पे पानी का जो फैलाव है वो मैक्सिमम बनता है, और बर्फ माइनस पे बनती है, -0 पे। स्टडी ऑफ कल्चर इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ कल्चर को कहते हैं। तो एंथ्रो का मतलब है ह्यूमन, और लॉजी का मतलब है स्टडी, यानी इंसानों की जो कल्चर की स्टडी, ट्रेडिशन की स्टडी है उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। लॉजी का मतलब जहाँ भी आ जाए तो उसका मतलब होता है स्टडी। फिलोलॉजी इज स्टडी ऑफ, तो लैंग्वेज की स्टडी को फिलोलॉजी कहते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सिल्वर जो है ये बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो सेकंड बेस्ट है कॉपर, थर्ड बेस्ट है गोल्ड। हमारे घरों के अंदर जो बटन्स होते हैं, बिजली की वायर्स होती हैं, वो कॉपर की बनी हुई होती हैं, तो कॉपर की हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कॉपर सिल्वर से सस्ता है। बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, सिल्वर घरों में नहीं इस्तेमाल करते, महंगा बहुत है, कॉपर को इस्तेमाल करते हैं, और थर्ड जो बेस्ट है वो गोल्ड है, और आपको पता है कि गोल्ड कितना महंगा है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। न्यूटन इज़ यूनिट ऑफ, तो जो फोर्स का यूनिट है उसे न्यूटन कहते हैं। इस तरह जो लेंथ का है उसे वो मीटर का है, फिर मास जो है किलोग्राम का है, तो आप ये बाकी देख सकते हैं कि जो यूनिट है मुख्तलिफ चीज़ों के। इनर्ट ऑन्टोनियम में, तो इनर्ट का मतलब है इनएक्टिव, तो इसका मुतजाद हो जाएगा एक्टिव। एग्जाम्पलीफाई का मतलब है वजाहत करना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इलस्ट्रेट। हिज वर्ड्स गेट ऑन माई, तो ये एक फिल इन दी ब्लैंक्स थी, तो इसका करेक्ट आंसर है नर्व्स। दिस वर्क इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, द हॉर्समैन पुल द रेंज ऑफ द हॉर्स, तो रेंज का मतलब होता है जो घोड़े की लगाम होती है। तो ये सारे ही प्रीवियस पेपर में रिपीटेड हुए हैं। द केक इज शेयर्ड बिटवीन अली एंड हमजा, जब दो बंदों के दरमियान कोई शेयर चीज़ की जाए तो बिटवीन होता है, दो से ज़्यादा के दरमियान अमंग आता है। प्रपोजिशन ऑफ अबाइड बाय, तो अबाइड के साथ ये फिक्स प्रपोजिशन है, अबाइड के साथ हमेशा बाय प्रपोजिशन आती है।
तो आगे सिनोनिम है, इडियम है टू हिट द रोड मीन्स, टू हिट द रोड मीन का मतलब होता है सफ़र शुरू करना यानी स्टार्ट जर्नी। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह यहाँ पे आपकी जो वन पेपर MCQs है उसकी यहाँ पे आपको मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। ए पाइप ड्रीम मीन्स, ए पाइप ड्रीम का मतलब होता है इन प्रैक्टिकल विश, जो प्रैक्टिकल चीज़ ना हो तो उसके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। पैसिफाई, पैसिफाई का मतलब है ठंडा करना, तो इसका जो मुतदाद है वो है अग्रेसिव। डेस्परेट का मतलब होता है मुख्तलिफ, तो इसका सिनोनिम है डिफरेंट। तो आगे उर्दू के कुछ क्वेश्चन है, अशकल्ले छोड़ना से क्या मुराद है। जिसके आखिर पे नून अलिफ ना आ जाए उसको अमूमन हम मुहावरा ही समझते हैं। तो अशकल्ले छोड़ना मतलब नई अनोखी बात करना। अंदलस में अजनबी के मुसन्नफ़ कौन है, मुतंसर हुसैन ताड़ड हैं। दास्तान मुजाहद कदा किताब के मुसन्नफ़ कौन है, नसीम अजाज़ी हैं, जो एक जसूसी नावल नगार है। इकबाल का पहला शेरी मजमूआ कौन सा था, बागेदरा। तसव्वुफ़ का जिक्र किसके शायर में मिलता है, तो मीर जर जो है इनके यहाँ तसव्वुफ़ का जिक्र मिलता है। नसार में तेरी गलियों पे ऐ वतन के जहाँ, तो इसके राइटर कौन है, वो है फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ और अब्दस्तारीदी को दोनों को मिले थे, जो रशिया का हाईएस्ट प्राइज़ होता है। तो फैज़ अहमद फैज़ को मिला था 1962 में, और जो अब्दस्तारीदी हैं उनको 1988 में ये जो हाईएस्ट अवार्ड है रशिया का वो मिला था। तलाश में है सैर बार बार गुजरी है, तो ये शेर किसका है, फैज़ अहमद फैज़ का है। तो जिसको फलक ने टूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले उस उजड़े दियार के हैं, ये शेर किसका है, ये मीर तकी मीर का है। गुल बागमा चमन खुशबू, तो इसमें ही क्या चीज़ है, तो इसमें तशबीह है। जूतियाँ छटकाना, तो जिसके आखिर में नून अलिफ ना आ जाए उसे हम मुहावरा कहते हैं। तो जूतियाँ छटकाना का मतलब है मारे मारे फिरना। तो यहाँ पे जो फैज़ अहमद फैज़ और अब्दस्तारीदी को मिला था, तो लेनिन प्राइज़ था। लेनिन प्राइज़ मतलब ये सोवियत यूनियन का आप इसको नोबल प्राइज़ कह सकते हैं। तो ये फैज़ अहमद फैज़ को मिला था 1962 में, क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ कम्युनिस्ट आइडियाज़ रखते थे, और अब्दस्तारीदी को मिला था 1988 में। तो ये आपने याद रखना। अब कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं, तो ये आप वीडियो को रोक के ये देख सकते हैं। स्टूडेंट गेट 65-90 मार्क्स, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, नीचे सॉल्व हुआ हुआ है। तो 1280 किलोमीटर के अंदर कितने माइल्स होते हैं, तो इस 1280 किलोमीटर के अंदर 800 माइल होते हैं, क्योंकि एक माइल के अंदर 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो यहाँ पे इफ़ एक्स इक्वल टू 2 देन एक्स की पावर 2 इज़, तो ये सिंपल सा है, दो को आप दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह ये प्लस का है, ये भी बिल्कुल आसान है। तो ए गर्ल यूज 5/9 ऑफ आर अमाउंट, हाउ मच मनी डिड ही लेफ्ट, तो टोटल कितनी अमाउंट थी, 9 और 9 थी, तो 9 में से 5 निकालेंगे तो 4 बच जाएगा, तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, वो है 4/9। तो ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।